दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमीर बनने के लिए वो कौन सा गुण है जो आपने होना चाहिए। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला है दोस्तों बर्निंग डिजायर। दोस्तों बर्निंग डिजायर का मतलब है कोई ऐसा मामूली डिजायर नहीं, बल्कि एक ऐसा डिजायर जो पूरे जीत पर अड़ा हुआ हो, या आपका डिजायर इतना बड़ा हो कि वो आपसे कोई भी काम करवा सके, चाहे वो काम आपको पसंद हो या ना पसंद हो। दोस्तों जो भी अमीर लोग अमीर बने हैं उनका कारण यही है कि उन लोगों का डिजायर बहुत बड़ा था, या उनका डिजायर पूरी तरीके से बर्निंग डिजायर था। वो उन काम के लिए पूरी तरीके से अपने आप को झोंक देते थे क्योंकि उनका डिजायर ही बहुत बड़ा था। दोस्तों बर्निंग डिजायर का ये मतलब नहीं है कि आपका डिजायर सिर्फ हल्के फुल्के लेवल पर है, या आपको सिर्फ विश है, आपकी सिर्फ इच्छा है कि आपको अमीर बनना है। पर दोस्तों बर्निंग डिजायर का मतलब इनसे बहुत ज़्यादा गुना बड़ा है। आप अमीर बनना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं जितना आपके लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, या जितना आपके लिए खाना इंपॉर्टेंट है। उसी इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप अमीरी को देखते हैं या आप पैसे को देखते हैं। दोस्तों एक बर्निंग डिजायर सबसे ज़्यादा एक छोटे बच्चे में होती है। दोस्तों अगर आप में उतना जिद है जितना एक बच्चे में होता है, दोस्तों किसी भी बच्चे को अगर कोई खिलौना ना दिया जाए या उसे कुछ भी ना दिया जाए तो वो तब तक रोता रहता है, या तब तक वो उस चीज़ की डिमांड करता रहता है जब तक उसे नहीं मिलता। इसे ही दोस्तों रियल बर्निंग डिजायर कहते हैं। अगर आप में भी इसी प्रकार की जिद है, उस बच्चे के प्रकार की आप में जिद है कि आप किसी भी गोल को अचीव करने के लिए उस पर हमेशा ही ध्यान लगाते रहेंगे और तब तक उस गोल से अपना ध्यान नहीं हटाएंगे जब तक आपको वो गोल अचीव नहीं हो पाता, तो इसे ही बर्निंग डिजायर कहते हैं। दोस्तों अमीर लोग बहुत ज़्यादा अपने गोल पर फोकस्ड होते हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा बर्निंग डिजायर होता है। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा है दोस्तों अमीर बनने के लिए, दूसरा है 80% माइंडसेट एंड 20% एफर्ट। दोस्तों अमीर बनने के लिए आपको सबसे पहले एक अलग शुरुआत करना पड़ता है, या एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो बाकी ज़्यादातर लोग नहीं ले पाते। इसे ही रिच माइंडसेट कहते हैं। दोस्तों अमीर बनने के लिए आपको एफर्ट ज़्यादा नहीं करना पड़ता, या उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता जितना गरीब लोग करते हैं, क्योंकि गरीब लोग ज़्यादा तो मेहनत करते हैं पर उनका माइंडसेट ही पुअर माइंडसेट होता है। अमीर बनने के लिए आपको 80% अपने माइंडसेट पर काम करना पड़ता है। बाकी जब आपका माइंडसेट 80% पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो 20% एफर्ट आपसे अपने आप होने लग जाते हैं, या आपको उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। दोस्तों कभी भी अमीर बनने के लिए जो पहला स्टेप है वही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसे ही बहुत से लोग नहीं उठा पाते क्योंकि उनका माइंडसेट ही पुअर माइंडसेट होता है। अगर आप में रिच माइंडसेट है तो आप पहला कदम उठा लेंगे और आप उस तरीके से सोचेंगे जिस तरीके से स्मार्ट लोग सोचते हैं। दोस्तों एफर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप हार्डवर्क ही करें। एफर्ट का यहाँ 20% एफर्ट का ये मतलब है आप चाहे स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क करें, या आप दूसरों से ही काम क्यों ना करवाएं, वो आपके ही एफर्ट में गिना जाएगा। क्योंकि आप अपने माइंडसेट पर अगर पूरी तरीके से काम कर ले तो फिर आप 20% जो एफर्ट है वो या तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कोई और कर देगा, या फिर आप थोड़े बहुत प्रयास के साथ में उसे भी करने लग जाएंगे। इसलिए आपको माइंडसेट पर काम करना चाहिए, ना कि अपने एफर्ट पर। दोस्तों अगर आप एक्शन ले रहे हैं तो वो एक अच्छी बात है, पर अगर आपका माइंडसेट ही पुअर माइंडसेट है तो आप कितना भी एक्शन ले आप हमेशा गरीब की गरीब ही रह जाएंगे। दोस्तों बहुत से लोग बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, या बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, पर वो लोग गरीब ही रह जाते हैं क्योंकि उनका 80% जो माइंडसेट है वही डेवलप नहीं हुआ पड़ता। वो लोग 80% एफर्ट करते हैं और अपने माइंडसेट को 20% पर रखते हैं, जिसके कारण वो हमेशा उसी हालत में रहते हैं जिस हालत में वो पहले थे। इसलिए आपको अपने एफर्ट को कम करना चाहिए। और चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा है दोस्तों पॉवर्टी और रिचनेस इज़ योर चॉइस। दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि अमीर होना भाग्य के भरोसे है, या अगर आपके माता पिता अमीर है तो ही आप अमीर बन सकते हैं उनके संपत्ति के द्वारा, उनके दिए गए धन के द्वारा, या आपको कहीं लॉटरी लगे तो ही आप अमीर बन सकते हैं, तो दोस्तों ये पूरी तरीके से एक मिथ है। ये आपको कुछ टाइम पर तो अच्छा फील करवा सकती है पर ये लॉन्ग टर्म में आपको कभी भी काम नहीं आएगी। दोस्तों अमीरी या गरीबी किसी लक पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि आपके हाथ पर डिपेंड करता है। ये आपका चॉइस होता है कि आप अमीरी का रास्ता चुनते हैं या गरीबी का रास्ता चुनते हैं। दोस्तों अगर आप पुअर माइंड सेट रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप गरीबों के रास्ते पर चल रहे हैं और आप अपने आप से ही गरीबी को चूज़ कर रहे हैं। और वहीं अगर आप थोड़ा सा हट करके अलग रास्ता चुनते हैं या अलग डिसीजन लेते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, तो उसे रिच माइंड सेट कहेंगे। इसका मतलब है कि आपने अपने गरीबी को या अपने अमीरी को अपने हाथ से चुना है, या आपकी अपनी चॉइस है। आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते, या आप किसी भी लक को या किसी भी गॉड को ब्लेम नहीं कर सकते कि आप गरीब हैं या आप अमीर हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने चॉइसेस के कारण ही या तो अमीर होंगे या तो गरीब होंगे, या तो आप अच्छे होंगे या आप बुरे होंगे। ये सिर्फ आपके चॉइसेस पर डिपेंड करता है। आपके अच्छे चॉइसेस आपको अच्छा बना सकते हैं, वही आपके बुरे चॉइसेस आपको बुरा बना सकते हैं। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कोशिश कीजिए कि आप अपने चॉइसेस